कुमाऊं मंडल में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं। बढ़ती आपराधिक घटनाएं पुलिस के लिए भी अब चुनौती बनती जा रही हैं, जिसके बाद अब डीआईजी नीलेश आनंद भरणे ने दावा किया कि 24 घंटे के अंदर हल्द्वानी में हुई पुलिसकर्मी की पत्नी की हत्या का खुलासा कर दिया जाएगा। इसके साथ ही ज्वेलर पर फायरिंग की घटना भी पुलिस ने कार्रवाई की है। कल ऊधम सिंह नगर में बदमाशों के साथ मुठभेड़ में दो बदमाशों को पकड़ा गया, जिनसे पूछताछ की जा रही। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। मतलब रास्ते पर जो है वो पुलिस के साथ रोजाना वो जिसकी प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे जो पार्क है, पार्क में गाड़ियों में लोग जो है शराब पीते हैं, तो ऐसी शिकायतें लगातार आ रही थी पुलिस के पास। तो ये पूरा दस्ता बनाया गया, तो इसमें जो है लगातार ये एक हफ्ते तक, जैसा हमने पिछली बार जो है सत्यापन अभियान नैनीताल में चलाया था, जिसमें कई लोगों के चालान हुए थे, गिरफ्तार हुए थे, फेक जो है वो आधार कार्ड पकड़े थे हमने नैनीताल सत्यापन में, कई लोग जो है वहाँ से क्रिमिनल लोग नैनीताल छोड़ के चले गए थे एक सप्ताह का, वैसे ही एक सप्ताह का ये अभियान चलेगा।